सब्सक्राइब करें टेक माइंड बर्ड चैनल को और क्लिक करें इस बेल बटन पर लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। दोस्तों, आज मैं आपको चिंगारी एप्लीकेशन के बारे में बताऊंगा। चिंगारी ऐप क्या है, चिंगारी ऐप पर अकाउंट कैसे बनाते हैं, इसे कैसे इस्तेमाल करते हैं और आप इसके द्वारा पैसे कैसे कमा सकते हैं, मैं आपको स्टेप बाय स्टेप एकदम फुल डिटेल में और सब कुछ प्रैक्टिकली करके बताऊंगा। इसलिए वीडियो को लास्ट तक देखिएगा ताकि कोई भी पॉइंट मिस ना हो। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। तो चलिए शुरू करते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं उमेश सैनी और आप देख रहे हैं YouTube चैनल टेक माइंड वर्ल्ड। सबसे पहले मैं आपको चिंगारी ऐप के बारे में बता देता हूं। चिंगारी ऐप क्या है? चिंगारी ऐप TikTok, लाइकी और VMAT जैसा ही एक शॉर्ट वीडियो शेयरिंग ऐप है जो कि पूर्ण रूप से भारतीय ऐप है। इसमें आपको न्यूज, फनी वीडियोस, मोटिवेशनल वीडियोस और डांसिंग वीडियोस देखने को मिलते हैं और आप खुद भी अपने वीडियोस बनाकर इस पर अपलोड कर सकते हैं और पूरी दुनिया तक अपना टैलेंट पहुंचा सकते हैं। आप इसमें गेम खेलकर भी पैसे कमा सकते हैं। आप चिंगारी ऐप पर अपना अकाउंट कैसे बनाएंगे और इस पर वीडियो कैसे अपलोड करेंगे, चलिए मैं आपको प्रैक्टिकली बता देता हूँ। सबसे पहले आपको अपने फोन में चिंगारी ऐप को इंस्टॉल करना होगा। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने चिंगारी ऐप का डाउनलोड लिंक दे दिया है। जब आप उस लिंक पर क्लिक करेंगे तो प्ले स्टोर ओपन हो जाएगा और इस तरह से चिंगारी ऐप आपके सामने आ जाएगी। 1,39,000 लोगों ने 4.0 की रेटिंग दी है और 10 मिलियन से ज्यादा लोगों ने इस ऐप को डाउनलोड किया है, यानी कि ये 100% जेन्युइन और ट्रस्टेड ऐप है। चलिए हम इंस्टॉल पर क्लिक कर देते हैं। इसके बाद डाउनलोडिंग शुरू हो जाएगी। यहाँ कुछ देर के लिए वेट करना होगा। इंस्टॉल हो जाने के बाद ऐप को ओपन करेंगे। ऐप ओपन करने पर इस तरह का इंटरफेस दिखाई देगा और इसके बाद आपसे भाषा चूज करने के लिए बोला जाएगा। यहाँ पर आपको सभी मुख्य भाषाएं मिल जाएंगी, जैसे हिंदी, बंगाली, तमिल, गुजराती, कन्नड़, मराठी, तेलुगु, उड़िया, इंग्लिश, मलयालम और पंजाबी भाषाएं दी गई हैं। आप जिस भाषा में ऐप को इस्तेमाल करना चाहते हैं यहाँ से उस भाषा को चूज कर लेंगे। भाषा चूज करते ही ऐप ओपन हो जाएगी। ये इसका होम पेज है। आप पेज को स्वाइप करेंगे तो यहाँ पर आपको बहुत सारे वीडियो मिल जाएंगे। आप किसी भी वीडियो के ऊपर क्लिक करके वीडियो प्ले करके देख सकते हैं और नीचे आपको एक कैमरे का बटन नजर आएगा। आप इसके ऊपर क्लिक करके अपना खुद का वीडियो शूट करके अपलोड कर सकते हैं, लेकिन इसके लिए आपको ऐप में लॉगिन करना होगा, जिसके लिए आप ऊपर लेफ्ट साइड में 3 लाइंस पर क्लिक करेंगे तो मेनू ओपन हो जाएगा। यहाँ पर आपको लॉगिन टू अर्न का ऑप्शन मिलेगा, इसके ऊपर क्लिक करेंगे। इसके बाद ये पेज ओपन होगा। अब आप गेट स्टार्टेड पर क्लिक करेंगे। इसके बाद आपने अपने फोन में जितनी भी जीमेल आईडी लॉगिन कर रखी होंगी वो यहाँ पर शो हो जाएंगी। आप जिस ईमेल आईडी से लॉगिन करना चाहते हैं उसके ऊपर क्लिक करेंगे या फिर आप किसी दूसरी ईमेल आईडी से लॉगिन करना चाहते हैं तो आप ऐड अनदर अकाउंट पर क्लिक करके दूसरी ईमेल आईडी डाल सकते हैं। ईमेल आईडी चूज करते ही आप ऐप में लॉगिन हो जाएंगे। इसके बाद यहाँ से आपको अपना जेंडर चूज करना है, आप मेल हैं या फीमेल हैं। यहाँ पर अपना नाम डालेंगे और इसके बाद सेव एंड प्रोसीड पर क्लिक करेंगे। इसके बाद इस तरह का पेज आ जाएगा। इस पेज को स्किप कर देंगे। अब सबसे पहले प्रोफाइल को अपडेट करेंगे, जिसके लिए फिर से ऊपर 3 लाइंस पर क्लिक करेंगे। अब यहाँ एडिट प्रोफाइल पर क्लिक करेंगे। आप यहाँ क्लिक करके अपना प्रोफाइल फोटो लगा सकते हैं, यहाँ क्लिक करके अपना नाम एडिट कर सकते हैं। यहाँ आपकी यूजर आईडी शो होती है, आप चाहें तो इसे चेंज भी कर सकते हैं। यहाँ पर आप स्टेटस डाल सकते हैं, यहाँ पर अपनी डेट ऑफ बर्थ डालेंगे। हमारी प्रोफाइल अपडेट हो चुकी है। चलिए अब मैं आपको बताऊंगा आप इस पर वीडियो कैसे अपलोड करेंगे। जब आप होम पेज पर आएंगे तो नीचे आपको एक कैमरे का बटन नजर आएगा, इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो कैमरा ओपन हो जाएगा। आप यहां रेड बटन पर क्लिक करके वीडियो शूट कर सकते हैं। वीडियो शूट करने से पहले आप कुछ सेटिंग्स कर सकते हैं, जैसे कि आप यहां क्लिक करके साउंड चूज कर सकते हैं, यहां से आप कैमरा चेंज कर सकते हैं, यहां से आप वीडियो शूट करने की स्पीड सेट कर सकते हैं, यहां से आप फिल्टर लगा सकते हैं। यहाँ पर आपको बहुत सारे फिल्टर मिल जाएंगे, आप कोई भी फिल्टर लगा सकते हैं। यहाँ से आप वीडियो शूट करने का काउंटडाउन सेट कर सकते हैं। बाय डिफॉल्ट 3 सेकंड का टाइम सेट रहता है, आप यहाँ क्लिक करके 10 सेकंड का टाइम सेट कर सकते हैं। जब आप वीडियो शूट करेंगे तो पहले काउंटडाउन चलेगा, उसके बाद वीडियो शूट होना शुरू होगी। और यहाँ से आप वीडियो रिकॉर्डिंग की लिमिट सेट कर सकते हैं। अगर आप रात में वीडियो शूट कर रहे हैं तो यहाँ क्लिक करके फ्लैश लाइट को ऑन कर सकते हैं, और अगर आपने पहले से कोई वीडियो शूट करके फोन में रखी है तो आप यहाँ क्लिक करके उस वीडियो को अपलोड कर सकते हैं। यहाँ से वीडियो ऑप्शन को चूज करेंगे तो आपके मोबाइल की गैलरी ओपन हो जाएगी। जहाँ पर भी वीडियो रखी हुई है उसके ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ इस तरह से वीडियो आ जाएगी। यहाँ से आप वीडियो को ट्रिम कर सकते हैं, इसके बाद सेव करेंगे। आप यहाँ क्लिक करके वीडियो में साउंड लगा सकते हैं। यहाँ पर आपको अलग अलग कैटेगरी के हिसाब से बहुत सारे साउंड मिल जाएंगे। यहाँ से आप साउंड की कैटेगरी चूज करेंगे।
कैटेगरी चूज करते ही साउंड की लिस्ट आ जाएगी। आप जो भी साउंड या म्यूजिक वीडियो में लगाना चाहते हैं उसके ऊपर क्लिक करेंगे तो म्यूजिक प्ले हो जाएगा और यहाँ पर आपको एक डाउनलोड का बटन दिखाई देगा, इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो म्यूजिक डाउनलोड हो जाएगा और यहाँ इस तरह से शो हो जाएगा। आप इस बटन की सहायता से म्यूजिक को ट्रिम कर सकते हैं। आप यहाँ क्लिक करके म्यूजिक को प्ले करके सुन सकते हैं। इसके बाद ओके करेंगे, आप सेव करेंगे, सेव करते ही म्यूजिक वीडियो में ऐड हो जाएगा। यहाँ क्लिक करके वीडियो को सेव कर सकते हैं, यहाँ से वीडियो को ट्रिम कर सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट करेंगे, यहाँ पर आप वीडियो के बारे में लिख सकते हैं। इसके बाद ओके कर देंगे, ओके करते ही वीडियो अपलोडिंग शुरू हो जाएगी। जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं अपलोडिंग चल रही है। वीडियो अपलोड होने के बाद आपकी प्रोफाइल सेटिंग में शो होने लगेगी। जब कोई आपकी वीडियो को प्ले करके देखेगा तो उसे वीडियो इस तरह से दिखाई देगी। यहाँ क्लिक करके वो आपकी वीडियो को लाइक कर सकता है, यहाँ से वो आपकी वीडियो पर कमेंट कर सकता है, यहाँ से वीडियो को शेयर कर सकता है, यहाँ क्लिक करके वो आपकी प्रोफाइल देख सकता है और आपको फॉलो कर सकता है। इसी तरह से जब आप किसी की वीडियो प्ले करके देखेंगे तो आपको भी यही सब ऑप्शन नजर आएंगे। यहाँ क्लिक करके आप वीडियो को लाइक कर सकते हैं, यहाँ से कमेंट कर सकते हैं, यहाँ से वीडियो को शेयर कर सकते हैं और आपको वीडियो में कुछ गलत लगता है तो आप यहाँ क्लिक करके रिपोर्ट कर सकते हैं। अगर आप प्रोफाइल देखना चाहते हैं या फॉलो करना चाहते हैं तो यहाँ प्रोफाइल के आइकन पर क्लिक करेंगे तो उसकी प्रोफाइल ओपन हो जाएगी। यहाँ से आप उसकी प्रोफाइल पिक्चर देख सकते हैं, यहाँ उसकी यूजर आईडी शो होती है, यहाँ उसकी टोटल पोस्ट शो होती हैं, उसने कितने लोगों को फॉलो किया है वो यहाँ पर शो होते हैं, उसे कितने लोगों ने फॉलो किया है वो यहाँ पर शो होते हैं और यहाँ क्लिक करके आप उसे फॉलो कर सकते हैं और नीचे उसकी सभी वीडियो शो होती हैं। चलिए अब मैं आपको इसके बाकी फीचर्स के बारे में बता देता हूँ। दोस्तों इसमें आप डेली न्यूज भी पढ़ सकते हैं। आपको यहाँ वीडियो के बराबर में न्यूज का ऑप्शन दिखाई देगा, इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको अलग अलग कैटेगरी के हिसाब से न्यूज मिल जाएंगी, जैसे नेशनल न्यूज, स्टेट न्यूज, स्पोर्ट्स, एंटरटेनमेंट, वर्ल्ड, बिजनेस। यहाँ न्यूज की और भी बहुत सारी कैटेगरी दी गई है। दोस्तों आप इसमें गेम भी खेल सकते हैं। आप ऊपर मेनू पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको गेम जोन का ऑप्शन मिल जाएगा, इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको बहुत सारे गेम मिल जाएंगे, जैसे स्ट्रीट बॉल, पेनल्टी सुपरस्टार, बास्केटबॉल मास्टर, जर्नी फॉक्स, अल्फा गन्स, गो चिकन गो, स्लॉट फ्रूट आदि। आप इन सभी गेम्स को बिल्कुल फ्री में खेल सकते हैं। चलिए अब मैं आपको बताऊंगा आप इसके द्वारा पैसे कैसे कमाएंगे। अभी फिलहाल चिंगारी ऐप अपनी तरफ से किसी भी क्रिएटर को कोई पैसा नहीं देता है। हो सकता है फ्यूचर में ये आपको पैसे देने लगे, लेकिन फिर भी आप इसके द्वारा पैसे कमा सकते हैं। लेकिन इसके लिए आपको बहुत मेहनत करनी होगी, इस पर ज्यादा से ज्यादा वीडियो अपलोड करने होंगे और जब आपके लाखों में फॉलोअर्स हो जाएंगे तब ब्रांड यानी कंपनियां आपसे कॉन्टेक्ट करेंगी। वो आपसे अपने ब्रांड को प्रमोट करवाएंगे, जिसके बदले वो आपको अच्छे खासे पैसे देंगे। चिंगारी ऐप से अर्निंग करने का दूसरा सबसे अच्छा तरीका है स्पॉन्सरशिप। जब आपके बहुत सारे फॉलोअर्स होते हैं तो आपको स्पॉन्सरशिप में बहुत से प्रोडक्ट मिलते हैं जिनके बारे में आपको वीडियो में बताना होता है और वह प्रोडक्ट आपका हो जाता है। तीसरा तरीका है आप चिंगारी ऐप की मदद से अपना YouTube चैनल प्रमोट करके उस पे सब्सक्राइबर बढ़ा सकते हैं और फिर YouTube से अच्छा पैसा कमा सकते हैं। चौथा तरीका है अगर आपके चिंगारी ऐप पर ज्यादा फॉलोअर्स हैं तो आप चिंगारी ऐप की मदद से अपने दूसरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जैसे फेसबुक, इंस्टाग्राम और ट्विटर आदि को प्रमोट करके उस पर सब्सक्राइबर बढ़ा सकते हैं। दोस्तों अब आपको चिंगारी ऐप के बारे में सब कुछ अच्छे से समझ में आ गया होगा। इस वीडियो में बस इतना ही। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करिए, शेयर करिए और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में बेल आइकन पर जरूर क्लिक करिएगा, जिससे हमारी आने वाली हर न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।